नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के वोटों की गिनती बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक टीएमसी ग्राम पंचायत की 34,359 सीटें जीत चुकी है, 752 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा 9,545 सीटों पर जीत के साथ दूसरे नंबर पर है और 180 सीटों पर आगे चल रही है। 8 और 9 जुलाई को कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव हुए थे। ये आंकड़े शाम 5:30 बजे तक के हैं। अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। इस बीच राज्य में चुनावी हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बुधवार को टीएमसी पर कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश शेख की हत्या का आरोप लगा। वहीं बम हमले में टीएमसी कार्यकर्ता असिक आलम घायल हो गए। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए 19 लोगों के परिजनों को 2,00,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, साथ ही सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है। ममता ने बीजेपी की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, तब ये कमेटी कहां गायब रहती है। जब असम एनआरसी को लेकर जल रहा था तो ये टीम कहां थी। रेसलर अपने ऊपर अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब ये कमेटी क्यों नहीं दिखाई दी। दरअसल 10 जुलाई को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में हुई हिंसा के जांच करने के लिए 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।